दुनिया में आपने कई तरह के जानवर देखे होंगे, बड़े छोटे खतरनाक और शरारती। इनमें से आमतौर पर लोग अपने घर में कुत्ते बिल्ली तोते जैसे पालतू जानवर को पालते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे जानवर लाए हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं और बेहद क्यूट भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे छोटे जानवर। ड्वार्फ लैंडन शार्क। जब हम शार्क के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत ही भयानक शिकारियों के बारे में सोचते हैं, जिसका मुंह तेज दांतों से भरा होता है। हालांकि यह छवि शार्क की अधिकांश प्रजातियों पर लागू नहीं होती है, लेकिन ड्वार्फ लैंडन शार्क एक बहुत ही यूनिक क्रिएचर है। यह 7 इंच लंबा दुनिया का सबसे छोटा शार्क है। 1985 में वैज्ञानिक जॉर्ज बर्गिस के द्वारा कोलंबिया के तट पर पहली बार देखा गया था। यह एक मायावी मछली उथले पानी में तैरता है, अंग पेट और पंखों के नीचे, ताकि जब नीचे से देखा जाए तो शार्क उथले पानी के माध्यम से सूरज की रोशनी में बहता है। अंधेरे पानी में प्रकाश छोटे जानवरों को आकर्षित करता है जो शार्क खाती है। बम्बलबी बैट। यह 1970 के दशक में खोजा गया था और यह दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ हो सकता है। यह पश्चिम थाईलैंड और दक्षिण पूर्व ब्रह्मा में पाया जा सकता है और नदियों के साथ चूना पत्थर गुफाओं में रहता है। इसका वजन करीबन 7 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 1 इंच होती है। इसकी एक पूंछ है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। ज़्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते हैं। वे टेंडन लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आसानी से घूम सकते हैं, जो ऊर्जा खर्च किए बिना उन्हें लटकाई स्थिति में रहने की अनुमति देते हैं। इसका कोट लाल भूरा या फिर भूरा हो सकता है। कुछ गुफाओं में छोटे समूह 10-15 हो सकते हैं, जबकि अन्य के पास 500 तक भी हो सकते हैं। वेस्टर्न पिग्मी ब्लू बटरफ्लाई। वेस्टर्न पिग्मी ब्लू यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे छोटी तितली है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी। यह पर्शियन गल्फ और हवाई में पाया जा सकता है। यह प्रजाति सर्दियों और गर्मियों के दौरान नस्लों और क्षार मिट्टी के साथ रहना पसंद करती है। इसका लार्वा एक शहद जैसा पदार्थ है जो कि चींटियों को आकर्षित करता है। गर्मियों के दिनों में ये तितलियाँ खाली 21 दिन ही जीवित रह सकती है, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। रॉयल एंटलॉप। ये सबसे छोटा जानवर है जो कि खरगोश की आकार का होता है। ये केवल 25 सेंटीमीटर मापते हैं और 3 किलोग्राम जितना उनका वजन होता है। पैर लंबे और पतले होते हैं। सामने के पैर की तुलना में अधिक लंबे उनके पीछे की टांगे होती हैं। मेल रॉयल एंटलॉप काले रंग के सींगों के बहुत छोटी जोड़ी बढ़ती है। ये चिकनी और लंबाई में अधिकतम 3.5 सेंटीमीटर तक है। वाइल्ड रॉयल एंटलॉप्स नवंबर और दिसंबर में उनके बच्चों को जन्म देता है, जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनका वजन केवल 300 ग्राम होता है। इसीलिए वैज्ञानिक ने रॉयल एंटलॉप्स के अध्ययन में करने में बहुत ही कष्ट लिए हैं। उन्हें पश्चिम अफ्रीका के गिनुआ ब्लॉक के रेन फॉरेस्ट में पा सकते हैं। वे 2 अन्य छोटी प्रजातियों के साथ भ्रमित हो सकते हैं, बैट्स पिग्मी एंटलॉप और माउस डियर। हालांकि मध्य अफ्रीका में पिग्मी एंटलॉप रहता है, जबकि माउस डियर एशिया में रहता है। पेडलोपर टॉर्टोइज। दुनिया में सबसे छोटा केप स्पेकल पेडलोपर टॉर्टोइज होता है। अधिकतम खोल लंबाई उनकी 10 सेंटीमीटर जितनी होती है। इस छोटे से कछुए में एक स्पेकल्ड अपीयरेंस होता है, जबकि एक उपजाति के पास बड़े काले रंग की छिद्रा के साथ एक हल्के भरे रंग के स्पॉट्स होते हैं। दूसरा ऑरेंज या छोटे काले रंग के धब्बे के साथ गुलाबी होता है। यह अजीब लगता है देखने में, लेकिन कछुए को गर्मियों में अपने चट्टानों के निवास में मिश्रण करने में ये चीज़ बहुत ही मदद करती है। जब तापमान 100 डिग्री होता है तो उनको ये चीज़ें बहुत मदद करती है। चट्टानी चौराहे के बीच कछुओं का सबसे प्रिय भोजन होता है रसीला पौधा, क्योंकि वह चट्टानी क्षेत्रों में बहुत समय बिताते हैं। वैज्ञानिकों ने ये जाना है कि महिला गर्मी में सिर्फ 1 अंडा देती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वह ज़्यादा अंडा देने की क्षमता नहीं रखती है।
ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।